Dear students, yesterday we have discussed pre-fertilization events. Today we will discuss fertilization. Now what is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gametes. Now this fertilization is also called as syngamy. Syn means fusion and gamy means gametes. That's why it is also called as the fusion of gametes. Now this syngamy is vital event in sexual reproduction. Now fertilization and syngamy terms can be used interchangeably. Now we can take the example of rotifers, honeybee, etc. Now what happens in these organisms? The female gamete undergoes development and it forms new individual. But without fertilization, and this process in which female gamete develops into new individual without undergoing any fertilization, that is called as parthenogenesis. तो अभी तक हमने तीन टर्म्स की, एक हम फर्टिलाइजेशन की, दूसरी हमने सिनगेमी की बात की, और एक हमने स्पेशल फिनोमेनन स्टडी किया जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. नाउ दिस पार्थेनोजेनेसिस यू कैन सिंपली से दैट इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन रोटिफर, हनीबीज एटसेट्रा, इवन इन सम बर्ड्स दैट इज लाइक टर्की, देर इज ऑल्सो पार्थेनोजेनेसिस. नाउ वॉट अबाउट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? Yesterday we have discussed gamete formation and transfer of gametes. Now today we will discuss the site of fertilization. Where does this fertilization take place? Now it may be external or it may be internal. मतलब fertilization की site बॉडी के बाहर भी हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी. और अगर आउटसाइड द बॉडी की हम बात करें तो कहां पे होगी? किसी मीडियम में होगी, एंड यूजुअली वाटर इज दिस मीडियम. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब ये बॉडी के अंदर होती है, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर. अगर हम दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम. एट द सेम टाइम और इंटरनल की अगर हम बात करें तो ओनली मेल गैमेट इज रिलीज्ड, या मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल. थर्ड जो पॉइंट है, यहां पे गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर.
और चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज किए जाते हैं। बट इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन लार्ज नंबर, बट फीमेल गैमेट्स दे आर नॉट रिलीज्ड इन लार्ज नंबर, देयर नंबर इज हाईली रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस। इन दिस केस चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं तो वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं वो ड्रास्टिक कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस भी हो सकती है, उस वजह से इनके चांसेस जो है सर्वाइवल के कम हो जाते हैं, पर इनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं। पर अगर हम इसकी बात देखें तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स का नंबर ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इज मोर, और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कम होते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम फिश की बात करते हैं, ज़्यादातर बोनी फिशेज में होता है, फ्रॉग की बात करेंगे या स्टार फिश की बात करेंगे, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम यहाँ देखें तो या हम हैन की बात कर सकते हैं, कौ की बात कर सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग्स की बात कर सकते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो जैसा आज हमने डिस्कस किया उसमें हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया, और फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो उस प्रोसेस को फिर क्या कहा जाता है, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। फिर जब हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे तो हमने ये बताया कि इसकी साइट दो हो सकती है, या तो ये बॉडी के बाहर होगी तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और अगर ये बॉडी के अंदर होती है तो हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, दैट इज जाइगोट। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो दीज इवेंट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। थैंक यू।